लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में कुछ ही दिन बचे हैं। राजनीतिक दल वोट जीतने के लिए पूरे भारत में कई रैलियां कर रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के पलक्कड़ में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, यहाँ सीपीएम के मुख्यमंत्री 3 साल से लगातार झूठ बोल रहे हैं कि इस कॉपरेटिव स्कैम के पीड़ितों को उनका पैसा वापस मिलेगा। ये अभी झूठ बोलते हैं कि दोषियों पर कार्रवाई होगी। ये आपका सेवक मोदी है जिसने इस केस की जांच करवाई। अब तक स्कैम करने वालों की करीब 90 करोड़ की संपत्ति भारत सरकार के ईडी ने अटैच कर दी है। मैं इस बारे में कानूनी सलाह ले रहा हूं कि कैसे जिनके पैसे डूब गए हैं ऐसे गरीबों को उनका पैसा वापस करूं। भाजपा सरकार पहले भी देश में 17,000 करोड़ रुपए ऐसे स्कैम पीड़ितों को वापस दिलवा चुकी है। इसीलिए मैं कॉपरेटिव स्कैम के पीड़ितों को ये भरोसा दिलाता हूँ कि उनका पैसा वापस दिलाने में भाजपा और मेरी सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। यहाँ सीपीएम के मुख्यमंत्री 3 साल से लगातार झूठ बोल रहे हैं कि इस कॉपरेटिव स्कैम के पीड़ितों को उनका पैसा वापस मिलेगा। ये भी झूठ बोलते हैं कि दोषियों पर कार्रवाई होगी। ये आपका सेवक मोदी है जिसने इस केस की जांच करवाई। अब तक स्कैम करने वालों की करीब 90 करोड़ रुपए की संपत्ति भारत सरकार के ईडी ने अटैच कर ली है। मैं इस बारे में कानूनी सलाह ले रहा हूं कि कैसे जिनके पैसे डूब गए हैं ऐसे गरीबों को उनका पैसा वापस कैसे करूं, ये 90 करोड़ रुपया उनको कैसे बांट दूं। बीजेपी सरकार पहले भी देश में 17,000 करोड़ रुपी ऐसे स्कैम पीड़ितों को वापस दिलवा चुकी है। इसलिए मैं इस कोऑपरेटिव स्कैम के पीड़ितों को भरोसा देता हूं कि उनका पैसा वापस दिलाने में भाजपा और मेरी सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी।